और बहुत सारे लोग, लगभग अधिकतर लोग तो मोबाइल से मेरा वीडियो बनाने लग गए हैं। देखो भाई, मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, तो कोई फायदा नहीं होगा। ये मोबाइल को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए सर, थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। हाँ, अभी आप रिकॉर्ड करके कल जाओगे, पत्नी को दिखाओगे, फिर वो जूम करके मुझे देखेगी, मतलब फिर फेसबुक पे उसका रिक्वेस्ट आएगा, फिर वो फिर आप गजेंद्र भाई की तरह कहोगे कि उसने किसी और के कंगन पहन लिए, मेरे उतारे नहीं। तो ऐसा ना हो गजेंद्र भाई, चार लाइन सुनिए, आप लोगों को पहली चार लाइनें सुनाता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, एक एक कवि को, एक एक कविता को आप लोग इतने मन से सुनते हैं कि हमें भी कवि होने का भ्रम हो जाता है। मैं चार पहली लाइनें आप लोगों के सामने रखता हूं और देखता हूं आप लोग मुझे कैसा प्रेम देंगे। हालांकि जिस मन से आपने अभय निर्भीक को सुना और जिस मन से आपने गजेंद्र भाई को सुना और जिस मन से प्रमोद पंकज जी ने आपको सुनाया, मुकेश जी बहुत बेहतरीन संचारण कर ही रहे हैं, अभिषेक जी हमारे बड़े प्यारे गजलकार बहुत ही पुराने कवि हैं, मैं चार लाइनें आपको सुनाता हूं और फिर देखते हैं आप लोगों तक कहां तक बात पहुंचती है। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों, बात समझ में आ जाए तो ऊपर तक जो लोग भगवान के ज्यादा नजदीक बैठे हैं उन लोगों का भी क्या कहें? मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले, मेरी नीयत पाक साफ है। क्या कहने हैं? जिन लोगों की तालियां बच गई, एक आदमी मिला बोला, यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। हाँ हाँ, क्या कहने? मैंने कहा, योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। क्या कहने? वाह वाह वाह। अभी पिछले दिनों चीते भारत में लाए गए, आपको याद होगा, वो भगवंत मान जब ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, इतना पी रखा था उन्होंने कि उन्हें जहाज में घुसने नहीं दिया। एक खबर छपी थी अखबारों में, बहुत चली थी। उनसे जब रोक दिया गया तो उन्होंने कहा, क्यों भाई, जब चीते जा सकते हैं तो पी के नहीं जा सकते? वाह वाह। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, अभी पिछले चार दिनों से चीतों ने कुछ नहीं खाया है। उन्हें मालूम नहीं है कि नवरात्रों में अपने यहां पे शाकाहार रहते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। जब चीते यहां पर लाए गए तो मैंने चीतों से भी डायरेक्ट पूछ लिया। मैंने कहा, तुम भारत में आए हो, तुम्हें भारत में आते हुए डर नहीं लगा? बोले, नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। तो हमारा देश अद्भुत है। राहुल गांधी आजकल पैदल यात्रा पर हैं, पैदल तो वो पहले ही थे, वाह वाह वाह, यात्रा पर अब आए हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था और बीच चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई। कांग्रेसियों ने कहा, प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा, तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे? मोदी जी चले गए नासा, वैज्ञानिकों ने दो मिसाइलें दी। मोदी जी ने पूछा, इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले, सर आपको तो आदत है,